तो ये है बनारस की प्रसिद्ध गली, बनारस का प्रसिद्ध चौराहा गोदौलिया चौराहा, जो बनारस की आन शान और बान है। आप यहाँ देख सकते हैं सुबह के 3 बजे रहे होंगे और कितनी चाय की भीड़ है और कितनी ही चाय यहाँ पर चहल पहल है। ये हमारे हिटमैन भैया आ चुके हैं जो अपना ब्लॉग अब शूट करने जा रहे हैं। सुबह है बनारस, दोस्तों बनारस की खूबसूरती का कोई मोल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रात भी दिन के बराबर है। नाश्ता के बारे में और भोजन खाने पीने के मामले में बनारस का तो कोई तोड़ नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि बाबा काशी विश्वनाथ जी का जो है पुराना प्रवेश द्वार है जहाँ से अनेक लोग दर्शन करते हैं। आज प्राचीनतम समय से ये द्वार जो है प्रमुख द्वार में माना गया है। अभी तो फिलहाल मोदी जी के राज में नए कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है जो कि कई सारे हैं, लेकिन गंगा जी बढ़ने की वजह से आपको दिखा नहीं सकते हैं। उन कॉरिडोर के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहें। आप ये देख सकते हैं खिचड़ी बाबा का मंदिर है, यहाँ पे खिचड़ी का निर्माण हो रहा है जो हमेशा ही चलता रहता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है बृहस्पति जी का भी मंदिर है। बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने से पहले लोग गंगा जी नहा के बृहस्पति जी महाराज जी का भी दर्शन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बृहस्पति भगवान जी का मंदिर का हमने आपको टैग पढ़ाया दिखाया भी। यदि आज से 6-7 साल पहले यदि कोई जो है भक्तगण यदि आए होंगे काशी विश्वनाथ जी घूमने के लिए, उनको देख के बहुत ही आश्चर्य होगा कि उस समय के क्या दृश्य है, आज के क्या दृश्य है। हर तरफ हर जगह बस एक ही लुक आपको दिखेगा। आप यहाँ से जो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक जो है दशाश्वमेध घाट को जाता है जो कि बाएं हाथ से रास्ता है, और एक दाहिने हाथ में रास्ता है जो राजेंद्र घाट की तरफ चला जाता है। तो अभी हम लोग चलेंगे दशाश्वमेध घाट के तरफ। यहाँ से आपको जो है व्यू दिखा देते हैं जो है मान मंदिर घाट 200 मीटर है, दशाश्वमेध घाट 200 मीटर है, पब्लिक सुविधा 150 मीटर है, गोदौलिया चौक 400 मीटर है। यानी जिसके पहले जो गोदौलिया चौराहा है, गोदौलिया चौराहा से यहाँ तक की दूरी 400 मीटर है। बाकी बनारस की कचौड़ी और जलेबी तो भाई वर्ल्ड फेमस है। यहाँ आप देख सकते हैं कचौड़ी और जलेबी। बाकी आप ये देख सकते हैं निर्माण हो रहा है, ये मार्केट का निर्माण हो रहा है ताकि यहाँ पे जो लोग आए तो यहाँ मार्केटिंग भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लोग कहते हैं मोदी जी के राज में क्या हुआ भैया, मोदी जी के रात में एक बार बनारस आके देखो तो सही, तब पता चलेगा क्या हुआ क्या ना हुआ। ये तो वही बात होती है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खा जा, देखा जाना कुछ नहीं बस बोलने को कह दो। यदि मोदी जी का काम किसी को देखना है तो बनारस आ जाओ भैया, मोस्ट वेलकम है, पूरा स्वागत है। गंगा माता आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है, इस वजह से यहाँ थोड़ा अंधेरा है। बाकी सामग्रियाँ आपको जो है कुछ भी पूजा की सामग्रियाँ चाहिए, बर्तन चाहिए, शिवलिंग वगैरह चाहिए, तांबे का पीतल का बर्तन चाहिए, वो आपको तुरंत यहाँ पे मिलेगा। शंख तक भी मिलेगा, हर एक चीज़ सामग्री मिल सकती है। काशी विश्वनाथ में ना मिले तो फिर भैया कहीं ना मिल सकता है। यहाँ पर माता गंगा की आरती होती हुई आप लोग को आरती का भी लुत्फ उठाएँगे कराएंगे, प्रोस वाली उठाएंगे नहीं आप लोग को कराएंगे। देख सकते हैं कमो पंच दस नामा आवाहन अखाड़ा है जिसे जूना अखाड़ा जी के नाम से भी लोग कहते हैं, बढ़ सकते हैं श्री समो पंच नामी आवाहन अखाड़ा।
दोस्तों इसके पहले मैंने आपको जो दिखाया था एक राजेंद्र घाट के तरफ जाता है रास्ता और एक जो है दशाश्वमेध घाट के तरफ जाता है। अब दशाश्वमेध घाट के रास्ते में जब थोड़ा सा आप अंदर आएंगे तो अब ये जो सार्वजनिक शौचालय से पहले ही आपको मैंने दिखाया था। ओ बाबा अरे बोबा अरे बाप रे बाप। अब ये देख सकते हैं मान मंदिर घाट के लिए वाराही देवी मंदिर जाने का रास्ता है। आप यहीं से देख सकते हैं दोस्तों, यहीं से आपको जो है ये काशी विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा मंदिर जाने का भी रास्ता है। आप देख सकते हैं ये रास्ता है। अब यहाँ से आपको जो है मान मंदिर घाट और वाराही देवी मंदिर के आप जा सकते हैं। आपने देखा था दोस्तों कि अभी जो है ये बाबा जी गुस्सा हो चुके थे, मतलब हमारे बनारसी भाषा में बमक चुके थे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं आवासीय अनुभूति संग्रहालय जो कि एक म्यूजियम है, मानसिंह वेदशाला भी इसे कहते हैं। और ये एक दोस्तों म्यूजियम है जिसका टिकट का जो रेट है बहुत ही कम है, मात्र 25 रुपये में आप म्यूजियम घूम सकते हैं। बहुत ही सस्ता रेट है, हैदर म्यूजियम के मुकाबले हमारे बनारस का म्यूजियम बहुत ही सस्ता है। केवल 25 रुपये में आप म्यूजियम का आनंद ले सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं गंगा मैया कितने आसमान छू रही हैं, कितने ऊपर आ चुकी हैं। आप देख ही सकते हैं ये जगह जो है पहले कितनी सुंदर हुआ करती थी, लोग यहाँ पे फोटो सेल्फी लिया करते थे और आज ये गंगा मैया के बालू से भरी हुई है। दोस्तों आप यहाँ से भी मारकंडिका घाट और काशी विश्वनाथ जी जा सकते हैं, लेकिन अब हमें पता नहीं कि गंगा मैया भरी हुई है तो जा सकते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी आप सुबह बनारस के नज़ारा तो देख ही सकते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों अब ना तो काशी विश्वनाथ जी कॉरिडोर जा सकते हैं ना ही आपको मारकंडिका घाट का दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि गंगा माई हमारी प्रचंड रूप में है। बाकी आप यहां से आप देख सकते हैं दृश्य देख लीजिए।